हेलो स्टूडेंट्स आपका इस लेक्चर में स्वागत करता हूँ इस लेक्चर में आज हम ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स पढ़ेंगे यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए जैसे पहले हमने पढ़ा था कि प्लांट्स यू को लेते हैं और फोटोसिंथेसिस की एनर्जी को स्टोर होती है क्लोरोफिल में और इस और क्लोरोफिल प्रेजेंट रहता है लीव्स में और कुछ अलग प्रकार के रॉ मटेरियल की भी जरूरत होती है प्लांट्स की बॉडी को बनाने में और उसे सेपरेटली ही ले लिया जाता है प्लांट्स के लिए सॉइल सबसे पास और सबसे अच्छा रॉ मटेरियल है और सब्सटेंस का एब्जॉपशन होता है जो पार्ट कांटेक्ट में है सॉइल के जैसे कि रूट बट सॉइल कांटेक्टिंग ऑर्गन और, और क्लोरोफिल कंटेनिंग कॉन्टेक्टिंग ऑर्गन की डिस्टेंस बहुत स्मॉल होती है रॉ मटेरियल आसानी से पूरी बॉडी में डिफ्यूज़न हो जाता है बट यदि यह डिस्टेंस लार्ज हो तो इस सिचुएशन में रॉ मटेरियल आसानी से पूरी बॉडी में डिफ्यूज़न नहीं पा नहीं हो पाएगा इसलिए इसे प्रॉपर सिस्टम की आवश्यकता होगी प्लांट्स प्लांट्स मूवमेंट नहीं कर सकते हैं और के पास डेड सेल्स ज़्यादा रहते हैं टिश्यू में और एक परिणाम में यह पता चला है कि प्लांट्स को एनर्जी की नीड कम रहती है और वह ट्रांसपोर्ट सिस्टम का यूज़ स्लो तरीके से करते हैं और हर प्लांट्स में ट्रांसपोर्टे सिस्टम की डिस्टेंस भी अलग अलग हो सकती है प्लांट्स क्या करेगा जो लीव्स में स्टोर्ड एनर्जी है उसे डिफरेंट पार्ट्स तक ले जाएगा और रूट्स में रॉ मटेरियल है उन्हें लीव्स में लेकर आएगा और ये दोनों का पाथवे अलग अलग रहता है पहला ट्यूब है जिसे हम जाइलम कहते हैं जो यह मूव करता है वाटर्स और मिनरल्स को जो सॉइल से मिलते हैं और दूसरा ट्यूब रहता है फ्लोयम यह ट्रांसपोर्ट करता है जो प्रोडक्ट फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में बनते हैं और जो अदर पार्ट्स तक ट्रांसपोर्ट किया जाता है वह भी फ्लोयम के थ्रू ही किया जाता है अब हम ट्रांसपोर्ट्स ऑफ वाटर को पढ़ते हैं जाइलम टिश्यू में रूट्स स्टेम्स लीव्स के वेसल्स और ट्रेकियाट्स होते हैं जो जाइलम रहता है वह फोर टिश्यू से बनता है ट्रेकियाट्स, जाइलम बेरन वेसल्स जाइलम फाइबर्स अब जो जैलम टिश्यू में रहते हैं वह आपस में इंटरकनेक्टेड रहते हैं जो एक कंटीन्यूस सिस्टम बनाते हैं वाटर कंडक्टिंग का जो प्लांट्स के हर प्लांट्स तक पार्ट्स तक पहुंचा सके और रूट्स की सेल्स वह सॉइल्स के कांटेक्ट में रहती है तो वह सॉइल से आयंस लेती रहती है इसके कारण क्या होता है सॉइल्स और रूट्स में आयन की कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंट हो जाती है तो जो वाटर सॉइल में रहता है वह रूट्स में चला जाता है ताकि वह इस डिफरेंट को एलिमिनेट कर सके इसका मतलब यह है कि रूट्स में वाटर का फ्लो कंटिन्यूस होता रहता है जिससे रूट्स में वाटर के कॉलम बन जाते हैं और यह प्रेशर उसे अपवर्ड पुश करता रहता है लेकिन ये जो रूट प्रेशर बनता है उसकी हेल्प से वाटर को ज़्यादा हाइट तक नहीं पहुँचाया जा सकता इसके लिए प्लांट्स किसी और इस्ट्रेटिटी का यूज़ करते हैं ताकि प्लांट्स को ज़्यादा हाइट तक पहुँचाया जा सके जैसे हमें पता है कि स्टोमेटा से वाटर का लॉस होता रहता है इसलिए प्लांट्स में वाटर की सप्लाई होती रहती है जो वाटर मॉलिक्यूल्स का इवोपोरेशन होता है लीव्स की सेल से वह एक सक्शन सक्शन क्रिएट करता है जो रूट से वाटर को जैलम जैलम की हेल्प से सक कर लेता है जो वाटर का लॉस वाटर वेपर के फॉर्म में प्लांट्स के एरियल पार्ट से होता है एरियल पार्ट से मतलब है ऊपर के पार्ट से उसे हम स्पिरेशन कहते हैं ये ट्रांसपीरेशन हेल्प करता है वाटर के अपन मूवमेंट में और जो रूट्स में मिनरल डिजॉल्व है उसे लिप्स तक लाने में ये टेम्परेचर को भी रेगुलेट करने में मदद करता है और जो रूट प्रेशर की मदद से वाटर का ट्रांसपोर्ट होता है यह रात में ज़्यादा जरूरी है और दिन के समय स्टोमेटा ओपन होते हैं तो ट्रांसपीरेशन पुल या मेजर इंपॉर्टेंट फोर्स होता है जो वाटर को जहलम में फ्लो करवाता है अब हम ट्रांसपोर्ट्स ऑफ फूड पढ़ेंगे अब हम यह देखते हैं कि जो मेटाबॉलिक प्रेशर है यानी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में जो प्रोडक्ट रहते हैं वह लीव से अदर पार्ट्स तक कैसे ट्रांसपोर्ट किया जाएगा और जो सॉल्युबल प्रोडक्ट रहते हैं फोटोसिंथेसिस के इनके ट्रांसपोर्ट को हम ट्रांसलोकेशन कहते हैं और यह वस्कुलर टिश्यू फ्लोयम में होता है फोटोसिंथेसिस के प्रोडक्ट को छोड़कर फ्लोएम अमीनो एसिड्स और बहुत से सब्सटेंस भी ट्रांसपोर्ट करता है और यह सब्सटेंस को डिलीवर्ड करना रहता है फ्रूट्स में सीड्स में ग्रोइंग ऑर्गन और स्टोरेज ऑर्गन्स ऑफ फ्रूट्स में जो ट्रांसपोर्ट्स ऑफ फूड्स और अदर सब्सटेंस का ट्रांसलोकेशन फ्लोएम के सीव में होता है कंपेनियन सेल्स की मदद से यह मोमेंट दोनों डायरेक्शन में होता है अपवर्ड्स एंड डाउनवर्ड्स दोनों में और जैलम को ट्रांसपोर्ट करने के लिए उसे सिंपल फिजिकल फोर्स की ज़रूरत पड़ती है बट फ्लोएम को एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है सुक्रोस का ट्रांसपोर्ट होता है फ्लोएम से और हमें ट्रांसपोर्ट करने के लिए एटीपी का यूज़ करना होता है और यह ऑस्मोटिक प्रेशर कॉज होता है और वाटर का भी मूव होता है और जहाँ टीशू में कम प्रेशर है वहाँ इस वाटर की मदद से पहुँच पाता है और इस प्रेशर के कारण फ्लोयम मटेरियल को मूव करता है प्लांट्स की नीड्स के हिसाब से जैसे हम एग्जांपल लेते हैं स्प्रिंग सीजन में जो शुगर रूट्स और स्टेम में स्टोर रहती है उन्हें बर्ड्स में पहुंचाया जाता है ताकि वह ग्रो कर सके यहाँ पर हमारा ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स ख़त्म होता है यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर